नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी हूँ। कोरोना है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो है कोरोना का केंद्र सबसे बड़ा बन के उभरा है अमेरिका, जहां प्रभावितों की संख्या 85,000 के पार पहुंच गई है। यानी कि चाइना, इटली और स्पेन को भी वो क्रॉस कर गया है। सबकी नजरें अब अमेरिका पे लगी है कि वो कैसे इससे निपटता है। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बातचीत भी हुई है। खैर, वो दोनों महाशक्तियां हैं, वो अपने हिसाब से निपट रही हैं, बट दुनिया के सामने, खास तौर से जो है गरीब तबका है उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्वाइव कैसे करें। इकोनॉमी पहले से स्लो डाउन में जा रही थी, अब और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। ऐसे में जो नौकरी पेशा और दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं उनके सामने एक ही चिंता है कि समय पर सैलरी मिलेगी क्या। मजदूरों की चिंता है कि दिहाड़ी मिलेगी क्या, क्योंकि काम उनका बंद हो गया है, पैदल ही घरों को लौट रहे हैं क्योंकि लौटने का साधन नहीं है। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जहां पे कि प्रभावितों की संख्या 750 के आसपास पहुंच गई है और जो मृतकों की संख्या वो 17 के पार। डॉक्टर की भी मरने की खबर आ रही है मुंबई से। है तो इसी बीच में क्या हुआ है, कई कंपनियों ने पॉजिटिव पहल की है। जैसे कि टाटा स्टील ने घोषणा की कि उसने अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देगी। रिलायंस ने कहा कि वो अपने जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं जो उनको जो है महीने में 2 बार सैलरी देंगे। ठीक इसी तरीके से एयरटेल से खबर आई कि हम जो है समय से सैलरी दे देंगे। भारत सरकार ने जब घोषणा की आर्थिक पैकेज 1,70,000 करोड़ का, उसमें ये कहा कि जो जहाँ पे 100 तक कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी 15,000 या उससे नीचे हैं, उनका जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों का भारत सरकार करेगी। अब एक एमएनसी ने बहुत अच्छी पहल की है, अमेरिका बेस्ड ये एमएनसी है जो कि बेंगलुरु में, इसका और भी कई जगह पे भारत में कंपनियां हैं, आईटी की कंपनी है, ये है कॉग्निजेंट, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर कंपनी है। यहाँ पे भारत में उसके 2 लाख से अधिक इम्प्लाई है। उसने ये घोषणा की है कि इससे लड़ने के लिए कोरोना से, चूंकि उसके कर्मचारी जो है जी जान से जुटे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो होम से वर्क कर रहे हैं और चाहे कंपनी में जाकर वर्क कर रहे हों, जिस तरीके का वो संघर्ष कर रहे हैं, एसोसिएट लेवल के अपने कर्मचारियों को वो अप्रैल महीने में 25% ज़्यादा सैलरी देगी। मतलब उसने कर्मचारियों का एक वर्ग छाटा है। कहा जा रहा है कि इससे जो है 1,30,000 कर्मचारियों को फायदा होगा और वो ये लाभ न सिर्फ भारत में बल्कि फिलीपींस के भी अपने कर्मचारियों को देगी। इसके जो सीईओ हैं ब्रायन हेम्फ्री, उन्होंने ये अपने कर्मचारियों को जो ईमेल भेजा है उसमें ये बात कही है और ये भी कहा है कि जब हम अप्रैल की सैलरी में देंगे 25% एक्स्ट्रा, उसके बाद से पूरे सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, क्या स्थिति है, आगे कितना लंबा ये संकट खींचता है, कितना कर्मचारियों को सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट महीने का डिसीजन लेंगे। तो ये आईटी कंपनी जो है कॉग्निजेंट, उसकी अच्छी पहल मानी जा रही है। हो सकता है कि और भी कुछ कंपनियां आगे आए। वैसे भी भारत सरकार ने सभी निजी और सरकारी और अर्ध सरकारी सभी एम्प्लायर से ये बात कही है कि वो अपने कर्मचारी हितों का ध्यान रखें और उनको समय से सैलरी दें। हमसे भी जो बन पड़ेगी मदद, यानी कि भारत सरकार से जो मदद बन पड़ेगी वो करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि अब ये जो कंपनी आई है कॉग्निजेंट, उसके उसको देख करके, उसको उसके पहल को फॉलो करते हुए और कितनी कंपनियां आगे आती है और अपने कर्मचारियों की चिंता को दूर करती हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।